नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में यातायात पुलिस 3 दिनों का अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत प्रदूषण फैला रहे वाहनों, मोडिफाइड सिलेंसर का इस्तेमाल करने वाले और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन स्वामियों के वाहन की चेकिंग अभियान चलाकर पकड़ा जा रहा है। बुधवार को नगर के नरौली चौराहे पर SP ट्रैफिक सुधीर कुमार जायसवाल के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया, जिसमें आधा दर्जन वाहनों का चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले और वाहनों के मोडिफाइड सिलेंसर लगाकर चलने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ 3 विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 7 वाहनों को चालान किया गया है और कुछ वाहनों को सीज भी किया गया है। यह अभियान अभी 2 दिन और चलेगा। आज जो है पूरे यूपी के साथ हमारे आजमगढ़ जनपद में भी जो नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखा है या प्रेशर हॉर्न है, इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है। जो नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं, साइलेंसर का मॉडिफाइड है, प्रेशर हॉर्न है, उनके खिलाफ चलान की कार्रवाई की जा रही है और सीज की जा रहे हैं। अभी चल रहे हैं, लगभग 6-7 चलान अब तक हो चुके हैं यहाँ पर, और उसके अलावा ही दिन भर और कल भी अभियान चलेगा। 3 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ी भी सीज की जा रही है जी? गाड़ी भी सीज की जा रही है? हाँ जी हाँ, जो गाड़ियों के कागजात नहीं पाए जा रहे हैं प्रेशर हॉर्न, उनका सीज भी किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।